सो मेंटेन बैचेस हम यहाँ ले रहे हैं, लेकिन हम एक्सपायरी डेट इसको नहीं देंगे, ठीक है? चाहे तो आप एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब हमारे पास 25 का एक लेटर बना लेते हैं, ऑलरेडी बना हुआ है, थैंक यू। सो वाउचर F9 हमारे रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में ही चल रहा है, तो माउस से क्लिक कर लेते हैं। अभी देखिए एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का कॉलम यहाँ पर आ गया। इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। हम कैश में परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है? अब हम क्या परचेज कर रहे हैं, हमने जीन्स परचेज की, राइट? कौन से गोडाउन में रख रहे हैं हम इसको? दिल्ली गोडाउन में रख रहे हैं। एक नंबर दे देते हैं, ऑर्डर नंबर 11 दे दिया। एक्चुअल है हमारे पास 5 डजन हो गया ये हमारा। ऑलराइट, सो यहाँ पर ही थोड़ा सा चेंज है क्योंकि पॉइंट में आ रहा है 60। ठीक है, रेट अगर 1000 रुपये का है तो ये हमारा 60,000 का सेट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग डेट है, वाउचर के डेट से पहले की मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी या सेम डेट होगी? मैन्युफैक्चरिंग डेट वाउचर की डेट के बाद की डेट हो नहीं सकती है। ये हमारा डन हो गया, ठीक है? ये एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी में आ गया, देन डन। आप चाहें तो ऑल्ट पी कर सकते हैं इसको, ठीक है? अब लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये ना एस्केप अगर हो जाता है तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपने काम करना है, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, परचेज वाउचर को। अकाउंटिंग फीचर में गए, वाउचर टाइप में गए, ऑल्टर किया परचेज को, ये रहा परचेज। और यहाँ पर एक ऑप्शन लेते हैं, प्रिंट आफ्टर सेविंग, इस ऑप्शन को यस कर देते हैं, ठीक है? तो ये बढ़िया रहेगा हमारे लिए। एक बार फिर से चलते हैं, वाउचर कैश में परचेज है, सॉरी कैश ले लिया हमने, जीन्स ले रहे हैं, इसी में वैरायटी ले लेते हैं, इसको हम यूपी में रख लेते हैं, और ऑर्डर नंबर ले लिया। एक्चुअल जो है हमारे पास वो अगर हम 1 दे रहे हैं तो देखिए ये आ रहा है आपका 1 डजन आ रहा है, ठीक है? एक दर्जन आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने 10 दर्जन माल मंगा लिया है, बिल में बना रहा हूँ 10 दर्जन का ही, रेट 1000 के इससे ले लिया हमने। मैन्युफैक्चरिंग डेट सेम है। अभी क्या होगा, पहले सेव होगा फिर प्रिंट पे जाएगा। ये देखिए आ गया, ये इस तरीके से काम करने लग जाता है, ठीक है? सही रहेगा, आपका काम आसान हो गया, डन हो गया यहाँ पर। अब सेल्स की बारी आती है, एफएट सेल्स। कैश में आप सेल कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि सीज़न दीपावली का है तो आप कुछ स्कीम वगैरह देते हैं, जैसे कि जीन्स आपने कहा कि दिल्ली गोडाउन से सेल है इस पर। एक्चुअल हैं 3 पीस और बिल बनेगा 2 पीस का, दैट मीन्स कि 2 पर 1 फ्री चल रहा है, ठीक है? टोटल 3 हो गए। यहाँ पर रेट हमने दिया 2000 रुपये पर पीस का दिया है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको हम 0.3 वर, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा मेरे लिए ट्रिकी है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। 3 पीस कम से कम ये जा रहा है, और यहाँ पर ये आएगा इस तरीके से, 2000 रुपये पर पीस के हिसाब से हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से सेल आउट हो गया, और ये भी प्रिंट पे चला जाएगा। नहीं, ये प्रिंट पे नहीं जाएगा, इसका ऑल्टर करना पड़ेगा। तो ये सेव हो गया, तो इसके लिए हम इसको ऑल्टर कर देते हैं। अकाउंट इन्फो वाउचर टाइप ऑल्टर, सेल्स को भी थोड़ा सा ऑल्टर कर देते हैं, ये यहाँ पर यस कर देते हैं, राइट? अब जो भी एंट्री होगी वो पहले सेव होगी फिर प्रिंट पे जाएगी। तो जीन्स